आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज किस वीडियो में हम लोग आचमनी की विधि के बारे में संपूर्ण शास्त्रोक्त जो विधि है उसको समझने का प्रयास करेंगे। हमारे शास्त्रों में आचमन की बहुत बड़ी विधि बताई गई है, इसलिए हम आज की वीडियो में जानेंगे कि हमको आचमन क्यों करना चाहिए, हम आचमन किस लिए करना चाहिए, आचमन करने की विधि क्या है और जल का ही आचमन क्यों किया जाता है, किस धातु में हमको आचमनी का जल रखना चाहिए। यह सारी संपूर्ण जानकारी मैं आपको शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा दूंगा। एक एक श्लोक के द्वारा मैं आपको प्रमाण सहित आचमनी के विधि के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आचमन का अर्थ क्या होता है। आच माने होता है शुद्ध और मन माने होता है आंतरिक भाव, अर्थात कि को करने से आपके अभ्यंतर भाव में शुद्धता का प्रवाह प्रवाहित हो उसे आचमन कहते हैं। सीधा सा मतलब है कि आपके आंतरिक भाव पवित्र हो जाएं उसे हम आचमन कहते हैं। दूसरा, जल का ही आचमन क्यों किया जाता है, तो याद रखिए जलम वे प्राण, जल हमारे प्राण है, तो संपूर्ण शरीर का आधा भाग केवल जल से ही बना हुआ है। इस पृथ्वी का आधे से ज्यादा भाग जल से घिरा हुआ है, इसलिए जल प्राण है। दूसरा, जल शुद्ध और निर्मल होता है, हमारे अंतरंग के भाव भी जल के समान निश्चल हो और पवित्र हो, शुद्ध हो, इसलिए हम जल का आचमन करते हैं। और तीसरा, जल का आचमन सदैव तांबे के पात्र से रखना चाहिए, कारण तांबे का पात्र हमारे संपूर्ण शरीर को शुद्ध और पवित्र रखता है। आयुर्वेद के अंतर्गत बताया गया है कि तांबे में जल पीने वाला व्यक्ति कभी भी फेफड़ों के रोग से, श्वास के रोग से जो या शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाले रोग वह तांबे के जल से समाप्त होने लग जाते हैं। इसलिए तांबा स्वतः में गुणकारी और श्रेष्ठकारी माना जाता है स्वास्थ्य के दृष्टि से भी। तीसरा, हमें आचमन क्यों करना चाहिए, तो इसके विषय में हमारे शास्त्रों में बहुत स्पष्ट प्रमाण दिया गया है व्याघ्र पाद के अंतर्गत। वह श्लोक आपके सामने है, एवं स ब्राह्मणो नित्यम उपस्पर्शन माचरेत ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम जगत स परितर्पयेत। आचमन करने से बोले आंतरिक भाव ही शुद्ध नहीं होता, बोले कण से लेकर मन तक सब कुछ पवित्र हो जाता है, इसलिए प्रत्येक पूजन पाठन में आचमन का विधान बहुत मायने रखता है। और साथ ही साथ शास्त्र में यह भी बताया गया है, यह क्रियाम कुरुते मोहादना चैम्येव नास्तिक भवन्ति ही वृथा तस्य क्रियाः सर्वान् संशयः। और जो मनुष्य पूजन पाठन करने से पूर्व आचमनी का प्रयोग नहीं करता उसके किए गए सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसलिए आचमनी का विधान हमारे शास्त्रों में बहुत बहुत तो बहुत महत्वकारी बताया गया है, इसलिए पूजन पाठन में पूजा करने से पूर्व आचमनी करना बहुत आवश्यक होता है। और चौथी बात, हम यह समझते हैं कि आचमन करने की विधि क्या है, कैसे हमको आचमन करना चाहिए, किस मुद्रा के द्वारा आचमन करना चाहिए, जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए आचमन करते हुए, यह अब मैं आपको शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले आचमन करने की विधि के बारे में क्या बताया गया है कि निबद्ध शिख कच्छस्तु द्विज आचमनम चरेत, अर्थात बृहत पाराशर के अंदर बताया गया है, आसन लगाकर सिर की शिखा को बांधकर, अगर सिर पर शिखा नहीं है तो अपने सिर पर कपड़ा ढककर तीन बार आचमन करना चाहिए, यह बृहत पाराशर के अंतर्गत बताया गया है। जब हम आचमन करें तो हमारी दिशा किस ओर होनी चाहिए इसके बारे में भी हमारे शास्त्र में बताया गया है। श्लोक आपके सामने है, ईशानाभिमुखो भूत्वा पस्पर्शेश्च यथा विधि। बोले पूर्व की ओर, ईशान कोर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर बैठकर ही आपको आचमन करना चाहिए, दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके आचमन नहीं करना चाहिए, यह हमको बताया गया है शास्त्र प्रमाण के द्वारा। आचमन करने का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है कि कितनी मात्रा में आपको जल पीना चाहिए, तो इसके विषय में हमारे शास्त्रों में वह श्लोक दिया है, पहले आप श्लोक
श्लोक सुनिए। हृतकंठा तालुका विस्तु यथा संख्यम द्विजातय सुद्येरन स्त्री च शूद्रश्च सकृत पृष्ठा विरंततः। मास मात्रम जलम पिबेत, इतनी मात्रा में जल पीना चाहिए कि शास्त्र के द्वारा बताई हुई परंपरा के अनुकूल हृदय तक, ब्राह्मण के कंठ तक, क्षत्रिय के तालुका तक, वैश्य के और जिह्वा तक स्वपच और स्त्री का जल पहुंच जाए। इस तरह से हमको आचमन करना चाहिए। और आचमन करते समय हमको जब अपने हाथ में आचमन करें तो हाथ की मुद्रा कैसी होनी चाहिए, इस बात पर फोकस कीजिएगा। देखिए पहले वह श्लोक सुनिए, श्लोक में क्या कहा है। आयतम पूर्वतः कृत्वा गौकरणाकृति वत करम, अर्थात कि जब आप आचमन करते हैं तो आपको गौकरण मुद्रा के द्वारा आचमन करना चाहिए। गौकरण मुद्रा, ऐसी मुद्रा, देखिए ये आपकी हथेली है, थोड़ी सी उंगलियों को नीचे की ओर झुका लीजिए, अंगुष्ठा को थोड़ा दूर कर लीजिए, इस तरह से देख सकते हैं आप, यह गौ कर्ण मुद्रा कहते हैं, गाय के कान की तरह मुद्रा है। इस मुद्रा के द्वारा आपको आचमन ग्रहण करना चाहिए, या ज्ञान मुद्रा, यह आपकी तर्जनी और यह अंगुष्ठा, इनको जोड़कर आपको तीन बार आचमन इस विधि से भी कर लेना चाहिए। और याद रखिए, आप अगर चरणामृत भी पी रहे हैं तो इसी मुद्रा के द्वारा आप चरणामृत का पान कर लेना चाहिए। इस तरह से हाथों को जोड़ने से यह मुद्रा राक्षसी हो जाती है, और ये मैं नहीं, देवी भागवत कह रही है। देखिए श्लोक प्रमाण आपके सामने है। तर्जन्य अंगुष्ठ योगेन राक्षसी मुद्रका स्मृता, तर्जनी और अंगूठा जब आपस में जुड़ जाता है तो यह राक्षसी मुद्रा हो जाती है। इसलिए ऐसे करके आचमन नहीं करनी चाहिए। आचमन के लिए इस अंगूठे को हटा के झुकाकर गोकर्ण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा के द्वारा आपको आचमन तीन बार पान करना चाहिए। और देखिए साथ ही साथ इस बात को भी बड़ी ध्यान पूर्वक समझ लीजिए, जब आप आचमन करें ना तो आचमन का जल कैसे पीना चाहिए, यह भी मैं आपको बता दूं। तीन बार आपको आचमन का जल पीना, त्रिपिबेत, कायिक वाचिक मानसिक शुद्धि हो जाती है और आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक तापों का शमन हो जाता है। पूरक रेचक कुंभक आदि जो तीन हमारे योग के नियम बताए गए हैं, इनकी तृप्ति हो जाती है। इस तरह से हमको तीन बार आचमनी का जल ग्रहण करना चाहिए। आचमन करने का मंत्र है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इन तीन मंत्रों के द्वारा आपने जल को पीना है। ओम ऋषिकेशाय नमः, इसमें अपने हाथों को प्रक्षाल्य कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। और साथ ही साथ जब आचमन का आप पान करें तो जो ये अंगूठी का जड़ है इसे बोलते हैं ब्रह्म तीर्थ। जो ये ब्रह्म तीर्थ है, इस ब्रह्म तीर्थ से, अंगूठी के ये जो जड़ का हिस्सा है, यहां से आपको आचमन ग्रहण करना चाहिए। और साथ ही साथ यह ध्यान रख लीजिए, जब आप आचमन करें तो आचमन करते समय कभी भी आवाज करके आचमन नहीं पीना। मतलब कई लोग आचमन करते हैं तो की आवाज आती है, सुड़क की आवाज आती है, ऐसी आवाज नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल स्पष्टता के साथ जल का पान करना चाहिए। इस तरह से आचमनी का जो यह विधान था मैंने आप लोगों को बताया। अब आप स्वयं बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी है। अगर कोई और प्रश्न हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तब तक आप सभी भक्तों को मेरी ओर से अनंता अनंत कोटि प्रणाम, वंदन।